श्रीमद् भागवतम 19वें श्लोक का पुनरावलोकन। ऋषिगण कथा से तृप्त नहीं हो रहे थे, वयम तु ना वितृप्यामः, उत्तम श्लोक विक्रमे यत् श्रुणवताम रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम श्लोक अर्थात इनका यश तमोगुण से ऊपर है, जिसका यश सुनकर के व्यक्ति तमोगुण से ऊपर उठ जाता है। उत्तम श्लोक का अर्थ और भी था, जो उत्तम पुरुषों के द्वारा जिनकी लीलाएं चरित्र गाए जाते हैं उनके साहसिक कार्य आदि सुनने से हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, ये ऋषिगण कह रहे थे। और जितना सुन रहे हैं उसका और जो उसके रस को जानते हैं उसका उससे उनका स्वाद बढ़ रहा है हर पद पे। रसज्ञानाम मतलब रस भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कृष्ण की कथा के जानते हैं वो लोग रसज्ञ कहलाते हैं। जिन्होंने कृष्ण कथा को श्रवण करके उसमें रुचि विकसित कर ली है तो वे प्रतिक्षण उसके लीला उन लीलाओं के श्रवण का आस्वादन कर पाते हैं। उत्तम श्लोक मतलब जीवों का कल्याण जिसमें हो जिसके द्वारा हो वो उसमें भगवान का यश सर्वश्रेष्ठ है। रस की दृष्टि से मात्रा की दृष्टि से जिसका यश सर्वश्रेष्ठ है ये सब उत्तम श्लोक। उत्तम लोग जैसे शिव जी नारद जी ब्रह्मा जी ये सभी भगवान का पूजन करते हैं स्तुति करते हैं। उत्तम लोग भी भगवान को श्लोक कहते हैं, उनका कीर्तन करते हैं। जितना लीलाओं को सुन रहे हैं उतना और अधिक अतृप्त हो रहे हैं, सुनने की लालसा बढ़ रही है। हम याग और योग से तृप्त हो चुके हैं, अन्य लोग कथा से तृप्त हो सकते हैं पर उत्तम हम तो तृप्त नहीं हो रहे हैं, है रहे नहीं होना चाहिए हो रहे हैं। तीन प्रकार से अलम बुद्धि हो जाती है कि हम तृप्त हो गए, पेट भरने से, रस नहीं जानने से या रस खत्म हो जाने से, विशेष रस ना होने से। तो कह रहे कान तो कभी भरने वाले हैं नहीं और ऋषिगण कथा के रस को जानते हैं इसलिए अलम बुद्धि नहीं होगी और भगवान के प्रति प्रेम है इसलिए अधिक अधिक सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कथा का रस जो है समाप्त हो जाता है, हे हो जाता है, ऐसा नहीं होता। जैसे गन्ने का जूस निकल जाता है तो गन्ना काम का नहीं रहता है, ऐसा कथा का रस कभी समाप्त होने वाला नहीं है। स्वादु स्वादु पदे पदे अर्थात जैसे जैसे कृष्ण कथा सुनते जाएंगे कृष्ण कथा का आकर्षण हृदय में बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बुखार कम होता जाता है वैसे वैसे खाने का आग्रह बढ़ता जाता है। आज श्लोक हम देख रहे हैं, अब 20वां श्लोक। मेरे पीछे बोलिए, बोलने वाला कोई है नहीं संस्कृत। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 20वां श्लोक। कृतवान किल कर्माणि, कृतवान किल कर्माणि, सहरामेण केशवः, सहरामेण केशवः, अतिमर्त्यानि भगवान्, अतिमर्त्यानि भगवान्, गूढ कपट मानुषः, गूढ कपट मानुषः। स्पीक नाइस संस्कृत, गुड। तो नाउ You speak loudly and clearly. Good. कृतवान किल कर्माणि, कृतवान किल कर्माणि, सहरामेण केशवः, सहरामेण केशवः, अतिमर्त्यानि भगवान्, अतिमर्त्यानि भगवान्, गूढ कपट मानुषः, गूढ कपट मानुषः। कृतवान किल कर्माणि, कृतवान किल कर्माणि, सहरामेण केशवः, सहरामेण केशवः, अतिमर्त्यानि भगवान्, अतिमर्त्यानि भगवान्, गूढ कपट मानुषः, गूढ कपट मानुषः। कृतवान किल कर्माणि, कृतवान किल कर्माणि, सहरामेण केशवः, सहरामेण केशवः, अतिमर्त्यानि भगवान्, अतिमर्त्यानि भगवान्, गूढ कपट मानुषः, गूढ कपट मानुषः। कृतवान किल कर्माणि, कृतवान किल कर्माणि, सहरामेण केशवः, सहरामेण केशवः, अतिमर्त्यानि भगवान्, अतिमर्त्यानि भगवान्, गूढ कपट मानुषः, गूढ कपट मानुषः। कृतवान किए गए किल कौन कौन से, कर्माणि कार्य कार्य, सह सहित, रामेणा बलराम, केशवः श्री कृष्ण ने, कोई व्यक्ति माइक पे बोल दे, अतिमर्त्यानि मर्त्यानि अलौकिक अलौकिक, भगवान 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 भगवान, गूढः गूढः, प्रच्छन्न प्रच्छन्न, कपट कपट, ऊपर से ऊपर से, मानुषः मानुषः, मनुष्य मनुष्य। अनुवाद, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम सहित मनुष्य की भांति क्रीड़ाएं की और इस प्रकार से प्रच्छन्न रहकर
उन्होंने अनेक अलौकिक कृत्य किए। कृतवान किल कर्माणी, कृतवान मतलब किए और कर्माणी मतलब बहुत सारे कर्म, बहुवचन में। किल मतलब कौन कौन से कर्म किए। किला शब्द बहुत साधारण लग रहा है, लेकिन इसका विशेष अर्थ है, टीका में आप देखने वाले हैं इसको। कैसे किए, तो कह रहे हैं सह रामेणा, भगवान श्री राम के साथ। भगवान श्री राम मतलब यहाँ पे राम का अर्थ है बलराम जी के साथ में। केशव भगवान कृष्ण ने कौन कौन से कर्म किए, कैसे कर्म थे, तो कह रहे हैं अति मर्त यानी, मर्त यानी मनुष्यों के लिए जो हमेशा मरणशील हैं, ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार के कर्म करना असंभव था, इसीलिए कह रहे हैं अति मर्त यानी। तो कहेंगे भाई आप ये कैसे कह रहे हो कि वो जब किसी के लिए संभव नहीं था तो वो कैसे कर लिए, तो कह रहे हैं भगवान, वह तो भगवान है, उनके लिए करना संभव है। तो अब प्रश्न बनेगा, अरे जब भगवान थे तो लोग समझ क्यों नहीं पाए कि वो भगवान है, तो कहते हैं गूढ़ कपट मानुष, मनुष्य के समान वो कपट कर रहे थे, धोखा कर रहे थे कि लोगों को लग रहा था ये समान मनुष्य, ये देख रहे हैं लोग, जान रहे हैं कि अद्भुत कर्म किए, गोवर्धन उठाना कोई असमान व्यक्ति के लिए, असमान व्यक्ति के लिए भी बहुत मुश्किल कार्य, नहीं संभव है। और ऐसा पर्वत उठाने के बाद भी लोगों को भ्रम हो जाता था कि ये भगवान नहीं है, यह तो एक समान व्यक्ति है, ठीक है। तो अपने को गूढ़ा, अपने को छुपाए हुए थे, गूढ़ मतलब समझते छुपा हुआ, गहरा रहस्य, अपने को छुपाए हुए थे, थे तो वो भगवान या वो हैं भगवान, लेकिन जब भगवान आए तो अपने को छुपा के रखे, लोग समान व्यक्ति समझ नहीं पाए कि भगवान है। आप बताइए अगर वाकई कौरव लोग समझते कि ये भगवान है तो क्या भगवान से युद्ध करने चलेंगे। भाई महाभारत के युद्ध में तो भगवान अस्त्र नहीं उठा रहे, लेकिन बहुत जगह भगवान अस्त्र उठाए कि नहीं उठाए। जरासंध से युद्ध कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, अस्त्र लेके युद्ध कर रहे थे ना, और वह इतना कन्विंस था कि इस बार तो हार गया अगली बार जीत जाऊंगा। तो ये भगवान का कपट ही हुआ ना कि जो मूर्ख लोग हैं वो समझ ही नहीं पाए कि वो भगवान है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर भगवान सामने आ जाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि वो भगवान है। जब तक भगवान के प्रति भक्ति नहीं होगी व्यक्ति समझ नहीं सकता कि वो भगवान है, चाहे भगवान सामने भी आ जाए तो भी। जैसे अगर किसी को मोतियाबिंद है तो सूर्य एकदम सामने भी हो जाए तो भी उसको समझ में नहीं आएगा कि सूर्य है, समझ में आ जाएगा उसको, नहीं आएगा। तो ये बात है सारार्थ दर्शनी। यह श्लोक भगवान के विक्रम को स्पष्ट करता है, विक्रम का अर्थ है भगवान के महान क्रम यानी महान साहसिक कार्य, इसको स्पष्ट करता है। स्पष्ट करने का मतलब क्या है, किस प्रकार से भगवान ने विशेष लीलाएं करी जो कि सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं थी, और इन लीलाओं को करने के बाद भी भगवान ने यह भी लोगों को मालूम नहीं चलने दिया कि वो भगवान है, ये भी भगवान की विशेष लीला है कि नहीं। इतनी अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं, गोवर्धन को उठा रहे हैं, इंद्र को हरा रहे हैं, हाँ जरासंध को मरवा दिया, कंस को मार दिया, उसके बाद भी लोग समझ नहीं पा रहे कि भगवान है, तो ये भी भगवान का बड़ा विशेष पराक्रम है। अति मर्त्यानि कर्माणि अर्थात अलौकिक अप्राकृत कर्म समूह, कर्म समूह मतलब कर्मों का एक जत्था, बहुत सारे भगवान ने ऐसे कर्म किए जिनको एक ग्रुप बना लें तो वो सारे कर्म अति मर्त थे, मतलब अलौकिक थे, लोक में कोई व्यक्ति उसको नहीं कर सकता था। अप्राकृत मतलब दिव्य कर्म है, जैसे गिरिराज जी को उठा लेना, जरासंध को मरवा देना, और बहुत सारे कार्य थे कौन से भगवान ने किए हैं, जैसे रासलीला, इतनी करोड़ों करोड़ों लोग लीला गोपियों के संग एक साथ रासलीला करना, एक ही रात में द्वारका का महल बनवा देना, और एक ही रात में मथुरा से सारे मथुरा वासियों को द्वारका में स्थानांतरित कर देना, कालिया दमन करना, यस एक से एक असुर को भगवान मार रहे, और बोल खेल खेल में मार दिए, अघासुर को मार दिए, अघासुर को मारे तो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हो गया, अरे अघासुर मर गया, पूतना को मार दिया। तो इस प्रकार से भगवान ने अनेक अनेक अलौकिक अप्राकृत कार्य किए, तो पूरा कर्मों का एक समूह बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। तो इसीलिए कर्माणि शब्द है यहाँ पे, कि कर्माणि शब्द बहुवचन में, ऐसा नहीं कि एक या दो कर्म किए हों, अपितु बहुत सारे भगवान ने इस प्रकार से कर्म किए, समझ रहे हैं ना इस बात को, यस। नराकृति में भगवान पर ब्रह्म है, मतलब हमने पहले भी इसके कोटेशन को देखा है गोपाल तापनी उपनिषद से, पर ब्रह्म नराकृति, पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण नर आकृति में, देखने में मनुष्य जैसे लगते हैं, आकृति इंसान जैसी है, लेकिन वह इंसान मनुष्य नहीं है, और यद्यपि उनके कर्म मनुष्यों जैसे हैं,
अब मनुष्य जैसे कर्म कैसे हैं, उनकी माता उनको रस्सी से बांध देती है, वह अपने दोस्तों के संग खेलते हैं और दोस्त कहते हैं नहीं तुम आज हार गए, हार भी जाते हैं, कृष्ण जो अजित है वो भी हार जाते हैं, और फिर उनके मित्र कहते हैं तुम अगर हमारे कंधे पे नहीं चढ़ाओगे तुम्हें खेल में शामिल नहीं करेंगे हम कल से, तो फिर रोने भी लगते हैं, या बछड़ों के द्वारा घसीटे जाते हैं, माखन चोरी करते हैं। तो यह लीलाएं देख करके व्यक्ति को सोचने लग सकता है कि ये तो सामान्य मनुष्य जैसे है, तो उनके कुछ कर्म जो है वो मनुष्य जैसे है। भाई मनुष्य जैसा कार्य नहीं करेंगे तो मनुष्य उनसे प्रेम थोड़ा करने वाले, समझ रहे हैं। तो भगवान एक मनुष्य जैसी लीला तो करते ही, उनकी मधुर लीलाएं हैं, लेकिन लोग उस कारण से भ्रमित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि भगवान है। इसलिए भगवान अति मर्त लीला भी करते हैं, जैसे परंतु उनकी गोवर्धन धारण आदि लीला तात्कालिक किसी भी मनुष्य के लिए कर पाना संभव नहीं था। तात्कालिक मतलब उस काल में कोई भी व्यक्ति, अभी तो भूल जाइए, अभी तो किसी की शक्ति ही नहीं है। अरे अब क्या एक गिलास पानी को भी उंगली पे बैलेंस नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और पूरे गिरिराज जी को बैलेंस करना 7 दिन तक, और न सिर्फ बैलेंस करना, उठाना, कितनी अद्भुत बात है। एक बात फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि भगवान गए कैसे थे। गिरिराज जी की जो पूछरी का लोटा है उधर से एक गुफा है, तो उस गुफा से भगवान नीचे गए। मैं हमेशा सोचा करता था भगवान उठाए कैसे गिरिराज जी को, तो उसके सेंटर में एकदम गए गिरिराज जी के और उस गुफा से फिट करके उठा दिया ऐसे करके। उस समय जब भगवान गिरिराज को उठाए हुए थे तो उनके कुछ ग्वाल बाल मित्र थे, मित्र कहिए, एकदम छोटे, इतने छोटे थे कि कपड़े भी नहीं पहने थे उन्होंने, और लकड़ी लेकर के वो सपोर्ट करना चाह रहे थे, लेकिन दिक्कत ये हुई कि लकड़ी उनकी गिरिराज जी तक पहुंच भी नहीं रही थी। कितना सुंदर लीला हो रही थी वहां पे, बहुत सुंदर लीला हुई। बाह्य रूप से तो बहुत ही विभत्स हुई, इन द सेंस भयानक बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन गिरिराज जी के नीचे में सारा ब्रज, सारे ब्रज के लोग आए हुए हैं और आश्रय प्राप्त किए हुए हैं। आप लोगों को बड़ा आसान लगता है, लेकिन देखिए कितना विश्वास है उनका कृष्ण के ऊपर। भगवान कृष्ण जो है उसको उठाए हुए हैं गिरिराज को, तो वो ये नहीं सोच रहे कि अंदर अगर चले गए और कहीं ये नहीं उठा पाया तो हम मर जाएंगे, पिस जाएंगे, नहीं सोच रहे ना। भगवान कृष्ण तो है ही, लेकिन भगवान कृष्ण भी आश्रय किस तरह दे रहे हैं, बड़ी खतरनाक तरह से आश्रय दे रहे हैं। अच्छा उठा भी रहे, मान लो दोनों हाथ से उठाते तो कुछ विश्वास होता, एक उंगली से उठाए बैलेंस कर रहा है कि, वो भी लेफ्ट हैंड वाली, तो वैसे भगवान में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में भेद नहीं है, भगवान दोनों हाथों से कैसे भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मान के चले कि बाएं हाथ जो है बहुत अच्छा एक्सपर्ट नहीं होता है, उससे उठाए हुए, तब ये भी तो आप ये देख सकते हैं कितना उनका विश्वास होगा भगवान के ऊपर, है कि नहीं। प्रभुपा जी कहते हैं तुम लोग नाई से बाल बनवाते हो और नाई ब्लेड लेकर के यहां चलाता है कि नहीं, नाई पे विश्वास कर सकते हैं, कृष्ण पे विश्वास नहीं करेंगे, तो सोचने वाली बात है। कृष्ण तो गले पे चक्कू नहीं चला रहे हैं ना, चला रहे हैं, क्यों चलाए हैं कृष्ण, उसको तो पैसे दे देकर कि गले के एकदम पास में हम चक्कू चलवाते हैं, सोचते हैं तो अच्छा से, हाँ एकदम नींद भी आ जाती है, आराम से करो शेव करो। कितना आश्चर्य की बात है ना, प्रभुपाद जी के वाक्य, नाई पे विश्वास कर रहे हो चक्कू तुम्हारी गर्दन पे चलाने के लिए, लेकिन कृष्ण पे विश्वास नहीं करोगे। क्यों विश्वास कृष्ण पे नहीं होता? सुनते नहीं, श्रवण करेंगे, नाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे तो विश्वास कृष्ण पे अधिक अधिक बढ़ेगा, और ये दिखाई पड़ेगा कि इस जगत में हम जिस पे भी विश्वास कर रहे हैं, जिसका भी आश्रय ले रहे हैं, वह आश्रय देने में समर्थ नहीं है, कुछ दिन बाद वो मर ही जाएगा, है कि नहीं, या उसकी खुद की आश्रय देने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। एकदम खाली बात ये कर रहे थे कि भगवान मनुष्य जैसी लीला तो कर रहे हैं, मनुष्य जैसा व्यवहार भी करते हैं, लेकिन अतिमर्त्यानि, भगवान अतिमर्त्य, मनुष्यों के लिए जो कभी भी संभव नहीं है, वैसे भी भगवान ने बहुत सारे कर्म किए, कर ही रहे थे लगातार। अच्छा तो फिर बात हो जाता है कि भाई इतना जब महान कार्य कर रहे हैं तो सब लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं भगवान है। ये देखिए, इंसान समझ ना पाए तो समझ में आती है बात, देवता भी समझ नहीं पा रहे हैं। इंद्र की माता अदिति हैं, उनके कुंडल को नरकासुर चुरा ले गया था, है ना, तो उस नरकासुर को जिसको इंद्र नहीं मार पा रहे थे भगवान बड़ी आसानी से मार दिए और उस कुंडल को ले करके इंद्र के पास भी गए। सब असंभव बात है कि नहीं? ऐसे ही किसी विमान में बैठ करके स्वर्ग चले जाना कोई आसान बात है? तो वहां पे गए हैं, सब कुछ किया है, इंद्र उनकी पूजा भी किए हैं, सब मतलब इंद्र गिरिराज जी के समय इंद्र भगवान कृष्ण से हार भी चुके हैं, और फिर जब भगवान पारिजात
वहां से ले लेते हैं जबरन, जो कि उनका ही है वास्तविक रूप से, फिर इंद्र उनसे युद्ध करना शुरू कर देते हैं। तो इंद्र भी भ्रमित हो जाते हैं, शिव जी भ्रमित हो जाते हैं। मैंने सुनाया था ना बाणासुर के संबंध में, शिव जी भ्रमित होकर के भगवान कृष्ण से युद्ध करने लग जाते हैं और ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं। तो आप देखिए कि भगवान की लीला इतनी अद्भुत है कि भगवान यदि प्रकट ना कराएं तो व्यक्ति समझ नहीं सकता कि भगवान भगवान है, सामने आ जाएं तो भी। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं ऐसा होते हुए भी वे गूढ़ अर्थात वे प्रछन्न, प्रच्छा भी होना चाहिए, प्रछन्न भाव से अपनी लीला कर रहे थे। प्रछन्न भाव से का मतलब होता है ढक करके अपने को ढके हुए थे। भगवान लीला तो बहुत अद्भुत कर रहे थे, अतिमर्त लीला कर रहे थे, लेकिन उसको ढके हुए थे ताकि लोग समझ ना पाए कि भगवान। लेकिन भगवान के भक्त भी लगे रहते हैं इस बात में, भगवान को, भगवान की भगवत्ता को जगत के सामने प्रस्तुत करने में भगवान के भक्त लगे ही रहते हैं। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, क्यों किया? राजसूय यज्ञ में यज्ञ के बाद अग्र पूजा होती है, तो यज्ञ का बहुत महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण पक्ष है, काफी रुचिकर बात है। अग्र पूजा में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है उसकी पूजा होती है। अग्र पूजा मतलब सबसे पहली पूजा। हम लोगों ने IIT पे इसके ऊपर एक नाटक किया था, उसका डायरेक्टर मैं ही था। खैर नाटक बहुत अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि आवाज ठीक से नहीं आई थी, लेकिन मेकअप बहुत अच्छा हुआ था, इतना अच्छा मेकअप हुआ था। हमारे मित्र थे एक देवेंद्र उपाध्याय, वो भीष्म पितामह बने थे, खूब डायलॉग रहता था, शिशुपाल मूर्ख है ऐसे करके वो गुस्सा करके बोल रहे थे, और इतना अच्छा मेकअप हुआ कि मैं ही नहीं पहचान पा रहा था, अरे ये वही है क्या इतना अच्छा मेकअप किए थे भीष्म पितामह का, बड़ा रोचक था वो। बस आवाज का प्रॉब्लम था, आवाज जो है ठीक से नहीं होती थी, वहां पे आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अच्छा तरीका होता, आज भी याद है बड़ा अच्छा। तो शिशुपाल ने क्या किया जरा देखिए, जब अग्र पूजा की बात आई तो सब लोग सहमत हो गए कि कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण भगवान की पूजा होनी चाहिए, और वहां पे शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सब लोग हैं। और शिशुपाल तब कुछ नहीं बोला, वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, देखो इन लोगों को पता ही नहीं है कि एक इंसान की पूजा कर रहे हैं, शिव जी ब्रह्मा जी को छोड़ रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से इसका यज्ञ जो है निष्फल हो जाएगा। इसे चुप रहा, सट्ट एकदम कुछ नहीं बोला। जब अग्र पूजा हो गई तब गाली देना चालू किया कृष्ण को, देखो काल कितना प्रभावशाली है, ये बुढ़ा मतलब भीष्म ये भी पागल हो गया, ऐसे पता ही नहीं किसकी पूजा करनी चाहिए, मैं तो कहता हूं इसकी पूजा होनी चाहिए। नारद जी हैं, सनक चार कुमार हैं, शिव जी हैं, इनकी पूजा छोड़ करके इस ग्वाले की पूजा कर रहे हो, ऐसे करके भगवान कृष्ण को बहुत गाली दिया। और आप जानते हो कि भगवान सहन कर रहे थे, और उस दिन और सब लोग तमतमार हैं गुस्से में कि मार दें उसको, लेकिन सब लोग शांत हैं क्योंकि कृष्ण कुछ नहीं कह रहे। तो कृष्ण आप जानते हैं कि गिनते थे कितनी गाली देगा, और कॉन्ट्रैक्ट था कितना, 99 गाली का। अगर एक समय में एक साथ 100 गाली दी तो भगवान उसको मार देने वाले थे शिशुपाल को, लेकिन वो प्राय गाली तो दिया करता था लेकिन गिनता था कितनी गाली दे रहा हूं, ठीक है, और 99 पे आके रुक जाता था वो, तो वो भगवान उसको छोड़ देते थे। लेकिन उस दिन उसको इतना गुस्सा आया कि वो गिना ही नहीं, जैसे 100वीं गाली हुई कृष्ण चक्र छोड़े और मार दिए, और ऐसे मारे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मारे कि जब गला काटा तो खून नहीं निकल पाया, क्योंकि अगर उस यज्ञ स्थल में खून गिर जाता तो भी यज्ञ अपवित्र हो जाता, यज्ञ निष्फल हो जाता। कितना सुंदर भगवान ऑपरेशन की। और उसके बाद शिशुपाल के शरीर से दिव्य ज्योति निकलती है और भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाती, तो वहीं से सातवां स्कंद पे प्रश्न बनता है इस प्रकार से कि वो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं, अरे इसको सही विमुक्ति कैसे प्राप्त हो गई, तो कृष्ण को गाली दिया करता था, तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि भगवान अपने को छुपाए हुए थे, लेकिन भक्त लोग बार बार भगवान की कीर्ति को गाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पूरे विश्व में भगवान की कीर्ति इस प्रकार से फैले कि कृष्ण ही भगवान है। मैं खाली ये बात बोल रहा हूँ कि भगवान छुपाना चाहते हैं और भक्त लोग पूरे विश्व में इसको बताना चाहते हैं, ये बात। इसका हेतु कह रहे हैं कपट मानुष, क्यों भगवान गुड़ रहे, कैसे भगवान छुपे रहे, तो कह रहे थे मानुष वेश का वो कपट कर रहे थे, हैं तो भगवान लेकिन कपट कर रहे हैं। कपट का मतलब क्या है, अंदर से कुछ है बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं, यही तो कपट होता है, डुप्लीसिटी, मैं अंदर से कुछ हूं लेकिन बाहर कुछ और दिखा रहा हूं, तो अंदर से भगवान क्या है, अंदर तो बाहर भगवान का कुछ नहीं है, लेकिन मूलतः भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान है, परमपिता है, परमेश्वर है, लेकिन दिखा क्या रहे हैं बाहर, बाह्य रूप से इंसान, मानुष मनुष्य की तरह, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो उसको इस प्रकार से कपट कर रहे थे, मनुष्य का कपट कर रहे थे, इस कारण से वो रहे, वो प्रछन्न रहे, गुड़ रहे, इसलिए लोग समझ नहीं पाए। सचिदानंद घन विग्रह, इस शब्द को समझते हैं, सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब स्वयं प्रकाश ज्ञानमय, आनंद मतलब आनंद, और घन मतलब घनीभूत, घनीभूत सचिदानंद विग्रह श्री भगवान
भगवान श्री कृष्ण मनुष्य न्याय से लीला किए, मनुष्य न्याय से लीला किए मतलब जैसे मनुष्य के लिए उचित है वैसे वह लीला कर रहे थे, लेकिन फिर भी अति मर्त्यानी, उनकी लीलाएं जो हैं वह मनुष्य के भाव का मर्यादा का अतिक्रम करने वाली थी। मेरी हिंदी सब समझ में आ रही है, ऊपर से जा रही है। जितना मनुष्य, जो मनुष्य की लिमिट है उसको क्रॉस करके भगवान लीला कर रहे हैं। मनुष्य कितनी पत्नियां रख सकता है आजकल के जमाने में? एक भी नहीं, मतलब एक भी बहुत मुश्किल से अगर रख सके तो बहुत बहुत परिश्रम है। और भगवान कितनी पत्नियां रखे? 16,108। कभी कभी लोगों को ऑब्जेक्शन होता है, अरे भगवान अगर 16 करोड़ भी रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और सबके लिए महल, सबको 10-10 पुत्र, सारी व्यवस्था, और सबके संग एक साथ रहते थे, एक ही बार में एक साथ सबके साथ, ऐसा कर सकते हैं? आजकल जमाने में एक ही पत्नी के संग रह ले कोई बहुत बड़ी बात है कि नहीं? यह पत्नी उसके संग रह जाए बहुत बड़ी बात है कि नहीं? कितने जल्दी से डाइवर्स हो जाता है लोगों का। एक भी पत्नी का डाइवर्स नहीं हुआ कृष्ण संग, एक भी। अभी तो बात यहाँ पे छोटी सी विनोद की है कि वहां द्वारका की रानियां कहती थी, अर्जुन अगर स्त्री होते तो बहुत अच्छा होता है। स्त्री होते क्यों? कहते हैं अर्जुन से भगवान इतना प्रेम करते हैं कि बार बार वो हस्तिनापुरी जाते रहते हैं, हमारे पास तो रहते नहीं। इतनी सुंदर रानियां हैं कि मतलब कोई कल्पना ही नहीं है, स्वयं लक्ष्मी है। लेकिन कह रहे हैं कि कृष्ण अर्जुन से इतना प्रेम करते हैं कि हस्तिनापुर में रहते हैं, हमारे पास तो कभी आते ही नहीं है। तो अच्छा होता कि अर्जुन अगर स्त्री होते तो वह भी एक रानी बन जाते, तो कम से कम कृष्ण द्वारका में तो रहते। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो ये सब बातें हैं। तो कृष्ण इस प्रकार से रखे थे और सबको संतुष्ट किए थे, सबको संतुष्ट किए थे। यद्यपि तो ये तो एक मनुष्य के लिए संभव नहीं है ना, 16,108 रानियां रखो, उनके लिए महल बनाओ। और ऐसे मैं एक बार इंडोनेशिया में था तो वहां माता जी लोग भी थे, तो हमने कहा आप लोग के पति ने महल बनाया आप लोगों के लिए? तो कहते अभी तक तो नहीं। अच्छा उत्तर था, लेकिन हमने कहा नहीं आगे भी नहीं बना पाएंगे, महल बनाना इतना आसान नहीं है। एक रूम को मेंटेन करना मुश्किल है और महल भी बनाना बहुत मुश्किल है। आप लोग पढ़ सकते हैं भगवान की किस प्रकार से कितने सारे द्वारका में महल इत्यादि थे। यद्यपि उनका श्री विग्रह अप्राकृत है, अप्राकृत मतलब नॉन मटेरियल, भौतिक नहीं है। तो अब यहाँ पे वो समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे थे भगवान ने, मनुष्य जैसा व्यवहार क्यों किया, कपट क्यों किया, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। यद्यपि उनका श्री विग्रह अप्राकृत है, अप्राकृत मतलब चिन्मय मतलब अभौतिक, किंतु भक्तों के हित के लिए जरासंध आदि प्राकृत मनुष्यों के पास ब्राह्मण के वेश धारण करके प्रार्थना आदि की, यह उनका कपट मात्र था। इसका मतलब क्या है देखिए, कुछ लोग जो इस लीला को नहीं जानते उनको बता रहा हूं। जरासंध ने किसी से सुन लिया था कि तुम अगर 10,000 राजाओं की बलि देते हो तो तुम अमर हो जाओगे, ये इस तरह के आईडी रहते हैं असुरों के हमेशा। तो उसने उसके पास बहुत बल था, तो उसने 10,000 राजाओं को बंदी बना लिया, और उसकी प्लानिंग थी कि काल भैरव या कोई भैरव के सामने, काल भैरव के सामने जो शिव जी का ही प्रतीक है, उसके सामने इनकी बलि दे करके मैं अमर हो जाऊंगा, ये था। तो इन लोगों ने, इन राजाओं ने एक पत्र द्वारका में भगवान को लिखा। तो इन कि हमारे आप उद्धार करिए। तो फिर जब बात आई कि क्या जरासंध से युद्ध करना चाहिए, और दूसरी तरफ युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ के लिए भी भगवान कृष्ण को निमंत्रण भेजा कि हमें राजसूय यज्ञ करना है। तो अब इसमें उद्धव जी ने बोला, कुछ यदुवंशी बोले थे हमें तुरंत जरासंध से युद्ध करना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे थे नहीं हमें युधिष्ठिर महाराज की सहायता करनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण सब जानते हैं, फिर भी उद्धव जी से पूछते हैं, सोच सकते हैं उद्धव जी की बुद्धि कितनी तेज होगी। तो उद्धव जी कहते हैं कि देखिए राजाओं का उद्धार तो निश्चित हमें उनका होना चाहिए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज तब तक राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते जब तक पूरे विश्व में उनका राज्य ना हो जाए। तो जब तक जरासंध राजा के रूप में अवस्थित है तो राजसूय यज्ञ तो हो नहीं सकता है, समझ रहे ना बात? तो उन्हें कहा ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग युधिष्ठिर महाराज के पास जाते हैं और उनसे मंत्रणा करते हैं किस प्रकार से जरासंध को हराया जाए या उसको मारा जाए, उसके बाद राजसूय यज्ञ होगा, समझ रहे ना? इसलिए भगवान कृष्ण पहले युधिष्ठिर महाराज के पास आते हैं, उसके बाद वहां बात होती है कि जरासंध को कैसे मारे। तो कहते हैं उसको हम अगर युद्ध करेंगे अभी तो अनावश्यक हिंसा होगी, तो भीम अर्जुन और भगवान कृष्ण ये ब्राह्मण का वेश लेकर के जरासंध के पास जाते हैं, और जरासंध ब्राह्मण को बहुत प्रेम करता था,
और ने कहा, हे ब्राह्मण वर, आप लोग क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? तो ने कहा कि हम आपसे युद्ध चाहते हैं। और फिर उन्होंने अपनी जो वास्तविक मतलब क्या कहते हैं रूप है वो प्रस्तुत किया कि मैं कृष्ण हूं और ये अर्जुन है, ये भीमासे करके। वैसे भी जब जरासंध उनको देख रहा था तो उनको लग रहा था ये ब्राह्मण जैसे तो लग नहीं रहे, अब भीम था ना ब्राह्मण जैसे लगेंगे एकदम अटैक करते तड़के तगड़े। और अर्जुन के यहाँ पे वो जो होता है ना क्या कहें धनुष, धनुष रखने से तरकस रखने से एक यहाँ पे निशान पड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से और वो जब वो लोग तीर चलाते हैं तो जो क्या कहते हैं उसको धागा तो नहीं कहेंगे स्ट्रिंग है उसकी, वो हाथ में रगड़ लगता है तो हाथ में भी रगड़ उनकी लगी हुई थी तो क्षत्रिय जैसे लग रहे थे। तो ये देखिए कितनी अद्भुत बात है कि जरासंध भगवान से कई बार हारा है, वहां पे भगवान कृष्ण से युद्ध किया है लेकिन वहां कपट कर ऐसा कपट कर रहे हैं कि पहले समझ ही नहीं पाए कि ये कौन है। विश्व लग तो रहा था ये ब्राह्मण नहीं है लेकिन ब्राह्मण का वेश बना के आया। तो उसने कहा अब तुम लोग ब्राह्मण बनकर भीख मांग ही रहे हो, अपनी पोजिशन तुम्हें डाउन कर ही ली है तो मैं तुम्हें भीख देता हूं। फिर कहते हैं कृष्ण तुम तो भगोड़े हो, तुमसे तो मैं युद्ध नहीं करने वाला, तुम तो भाग गए थे क्योंकि रुक्मणी सिवा हो चुका है, तुम तो युद्ध छोड़ के भाग गए, तुमसे मैं युद्ध करने वाला नहीं, तुम मेरे बराबर के नहीं हो। अर्जुन बच्चा है अभी छोटा, मुझसे युद्ध नहीं करूंगा, भीम से मैं युद्ध करूंगा, भीम मेरे बराबर के हैं। तो फिर आप जानते हैं भीम और जरासंध का युद्ध होता है और कई दिन युद्ध होने के बाद भी भीम जीत नहीं पा रहे होते हैं। तो फिर भीम कहते हैं भगवान कृष्ण से कि मैं इनको नहीं जीत पा रहा हूं। तो फिर भगवान संकेत देते हैं कि उसे फाड़ दो, तो जरासंध को फाड़ देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भक्त के हित के लिए भगवान ऐसा करते हैं। तब ब्राह्मण का विष बना रहे, कपट कर रहे, तो आप प्रश्न बनेगा कि क्या भगवान स्वयं जरासंध को नहीं मार सकते थे? मार सकते थे लेकिन फिर लीला कहाँ होती, फिर मजा क्या आता? गए भगवान और जरासंध को मार दिया, काम खत्म। हाँ क्या वो जरासंध को फाड़ देते हैं। हाँ यस वो बार बार जरासंध को फाड़ रहा था तो फिर वो चुपक जाता था। तो उसको एक बार भगवान ने कहा इधर फेंको, उस वाले को उधर फेंको। तो पॉइंट यह है कि और हाँ साथ साथ भगवान अपनी शक्ति के द्वारा भीम में प्रवेश करते हैं तब इतनी शक्ति मिलती, क्योंकि दोनों में बराबर बल था। 10,000 हाथी का बल जरासंध में भी था और 10,000 हाथी का बल मेरा मतलब भीम में भी था। तो इसलिए उनके लिए उसमें फिर विशेष शक्ति प्रदान करते हैं भगवान, उसके द्वारा वह जरासंध को मार पाते। तो भक्तों के हित के लिए, कौन से भक्तों के हित के लिए, कौन से भक्त के हित के लिए? हाँ जो 10,000 राजा थे उनको मुक्त करने के लिए। तो इसलिए ऐसे भगवान करते हैं। तो समझ में आया इस प्रकार से भगवान कपट करते हैं, इस प्रकार से बात है, ठीक है। अब दूसरा कपट देखिए, और कपटम अर्थात प्रेम विलास के लिए, प्रेम के वर्धन के लिए वेणुनाद से आकृष्ट अप्राकृत गोपीजनों के निकट मनुष्यों के समान धर्म उपदेश आदि लक्षण से युक्त मानुष व्यवहार किए। ये दूसरा कपट था भगवान का। जरासंध कैसा व्यक्ति है? प्राकृत व्यक्ति है, तो भगवान उसे कपट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो गोपियां तो अप्राकृत है, चिन्मय है, उनके भक्त हैं, तो उनसे कपट क्यों कर रहे हैं? मान लो ये कोई प्रश्न करे तो प्रेम बढ़ाने के लिए। गोपियों को भगवान ने ही बांसुरी वादन वेणु वादन करके बुलाया जंगल में घोर रात में, और उसके बाद बोले अच्छा आप लोग यहाँ क्यों आई है? सोच रहे आप लोग अच्छा मुझे लगा चंद्रमा को देखने आए हैं, ठीक 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 ऐसे करके। तो इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं अच्छा देखिए आप लोगों के बच्चे रो रहे होंगे, आपके घर परिवार वाले चिंता कर रहे होंगे, रात्रि का समय है, जंगल है, ये सब आप लोगों के लिए मतलब सुरक्षित स्थान नहीं है, आप लोग घर चले जाइए। तो अब उसको तो जब हम दशम स्कंद तक पहुंचेंगे तब चर्चा करेंगे, लेकिन भगवान बाह्य रूप से बोल रहे हैं कि चले जाइए लेकिन आंतरिक रूप से बोल रहे हैं नहीं जाइए, यहीं रहिए। और गोपियां दोनों अर्थ समझ रही हैं और उससे उनका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। वो जब इस प्रकार से कृष्ण बोल रहे हैं तो वो जमीन पे अपने पांवों से नखून जो होता है उससे वो मट्टी खोद रही होती हैं, उनका प्रेम बढ़ रहा है, उनको क्रोध भी आ रहा है कि कृष्ण इस प्रकार की बातें क्यों बोल रहे हैं, कानों में एकदम पीड़ा लग रही है, जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं। और आप जानते हैं कि जब भगवान ने वेणु वादन किया तो केवल गोपियों को सुनाई पड़ा, उन्हीं को खींच के ले गया। और मैंने सुना है कि हर गोपी को आवाज आ रही है कि भाई तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, से करके। अद्भुत है भगवान सब कर रहे हैं। और फिर भी और जब आ गई तो कह रहे हैं ठीक है आप आ गए, अपने जंगल की सुंदरता देख ली है, वापस चले जाइए। और स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है पति की सेवा करना, ये सब। तो ये जो मनुष्य आदि के धर्म है उनकी उपदेश गोपियों को करने लगे, तो उससे क्या हुआ, गोपियां वापस तो ना गई, उससे उनका और प्रेम बढ़ रहा था भगवान कृष्ण के लिए। तो वहां भी वो कपट कर रहे हैं लेकिन ये कपट क्या है, भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाने के लिए।
तो यहाँ भी मनुष्य से व्यवहार कर रहे हैं लेकिन गोपियों के प्रेम को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं गूढ़ा कपट मानुष, क्योंकि असुरों को मोह उनकी अविद्या के कारण होता है। अविद्या मतलब स्वरूप का विस्मृति, तो बहिर्मुखता के कारण वह भगवान को नहीं समझ पाते, और भक्तों का मोह उनके प्रेम के कारण होता है, इसलिए वस्तुतः भगवान किसी से कपट नहीं करते। देखिए जो असुर लोग हैं वह भी नहीं समझ पाते कि भगवान भगवान है, ठीक, जरासंध नहीं समझ रहा था ना, और गोपियां भी नहीं समझ रही हैं कि भगवान भगवान है, वह उन्हें अपना प्रेमी ही मान रही हैं, लेकिन दोनों के ना समझी में बहुत अंतर है। जो व्यक्ति अविद्या के द्वारा कृष्ण को नहीं समझ रहा है तो वह कृष्ण से अपने संबंध को भी समझ नहीं रहा है, कृष्ण से प्रेम नहीं कर रहा है, बहिर्मुख है, भोगों में जा रहा है, और जो व्यक्ति प्रेम के कारण भगवान को भगवान नहीं समझ रहा है वो कभी कृष्ण को भूल नहीं सकता है, कृष्ण के से संबंध को कभी नहीं भूल सकता है। गोपियां भूल सकती हैं, कभी कभी नहीं भूल सकती हैं, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो भगवान अलग अलग प्रयोजन के लिए अगर कहा जाए कपट कर रहे हैं, वस्तुतः वो कपट नहीं कर रहे हैं। जो भक्त लोग मोहित हो रहे हैं वो प्रेम की वजह से हो रहे हैं, और जो असुर लोग मोहित हो रहे हैं वह अपने अविद्या अज्ञान के कारण मोहित हो रहे हैं, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। समझ पा रहे हैं बात, ठीक है। वे केवल शिक्षा देने के लिए स्वयं को प्रच्छन्न रखते हैं। जब गोपियों को शिक्षा दे रहे हैं तो बाहर रूप से इस प्रकार से दे रहे हैं जैसे कोई मनुष्य की बातें बोल रहे हैं, अरे तुम्हें तो अभी पति का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे ऐसे, लेकिन वस्तुतः वह तो रासलीला करने के लिए ही गोपियों को बुलाए थे। ओके, बाल प्रबोधनी। अब यहाँ पे बड़े अच्छे अर्थ वो ले रहे हैं केशव इत्यादि के। इन कथाओं में भी पिछले श्लोक में बोला वयम तु ना वितृप्यामा, हम भगवान की कथा से तृप्त नहीं हो रहे हैं, तो कह रहे हैं इन कथाओं में भी, कृष्ण कथा में भी, भगवान की कथाओं में भी, अवतार की कथा, भगवान की बहुत सारी कथाएं, अवतार कथा, कृष्ण कथा, ये सब, तो कह रहे हैं केशव का अर्थात ब्रह्मा जी और ईश अर्थात शिव जी, ये दोनों अमर हैं, परंतु इन दोनों को भी आनंद देने वाले भगवान जो षड ऐश्वर्य आदि से परिपूर्ण है, उन भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ जो पराक्रम किए उनसे तो हम विशेष रूप से तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः प्रधानतः उनको कहिए यह अन्वय। अन्वय मतलब ये अर्थ है, तो समझ में आया केशव की व्याख्या क्या कर रहे हैं। केशव मतलब का अर्थात ब्रह्मा जी और ईश मतलब शिव जी, इनको भी अपने ऐश्वर्यों से आदान सुख देने वाले हैं, इसलिए भगवान को केशव कहा जाता है। सह रामेण केशव, ये शब्द श्लोक है ना, तो केशव शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि केशव मतलब भगवान, ये लोग अमर रहने जगत में किसी कुछ वस्तु की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये भगवान के यश को गाते हैं, भगवान के ऐश्वर्य इनको सुख देते हैं, तो उन भगवान ने जो पराक्रम किए, यानी उन केशव भगवान ने बलराम जी के साथ, भगवान बलराम के साथ जो पराक्रम किए उससे तो हम विशेष रूप से तृप्त नहीं हो रहे, यानी इनको हम विशेष रूप से सुनना चाहते हैं। अन्य कथाओं से भी हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, लेकिन स्पेशली मुख्य रूप से कृष्ण की कथाओं, कृष्ण की लीलाओं से हम विशेष रूप से तृप्त नहीं हो रहे। इसको आगे हम दशम स्कंद में सुनेंगे। परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि भगवान की जो कथा है, कोई भी भगवान की कथा है, वह जीव की अविद्या का नाश करने वाली है, लेकिन दिक्कत यह है कि लोगों को इन कथाओं में रुचि रही है, लेकिन कृष्ण की जो बाल लीला है, कृष्णार्भक चेष्टतम शब्द है शायद, कि भगवान कृष्ण की जो बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, लीलाएं हैं, वो इतनी सुंदर, इतनी मधुर हैं कि एक भौतिकतावादी व्यक्ति को भी बहुत अच्छी लगती है। समानता जो बाहर भागवत कथा होता है उसे पहले दो दिन तो कुछ बोलेंगे, तीसरे चौथे दिन ही कृष्ण की लीला चालू हो जाती, बाकी नरसिंहदेव आ ही नहीं पाते बेचारे शायद, तो उन सब कथा को सुनने में लोगों को इतनी रुचि नहीं होती है। यहाँ सामान्य प्रोफेशनल लोग भी जानते हैं कि कृष्ण कथा में भी कृष्ण की बाल लीला और कृष्ण की जो दशम स्कंद की लीला है, ये लोगों को बड़ी आकर्षक लगती है, जो बिल्कुल भौतिकतावादी, निपट भौतिकतावादी उनको भी है ना। तो कह रहे हैं कि हम प्रधानतः भगवान कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, इसीलिए तो उसको व्यक्त कर रहे हैं ना। सह रामेण केशव, भगवान कृष्ण ने, केशव ने जो बलराम जी के संग लीलाएं की हैं उनको हमें सुना। क्या क्या, देखिए किल शब्द मतलब कौन कौन सी लीला करी, क्या क्या किया जरा बताओ, तो ये कहने का अर्थ है। केला शब्द की प्रपाद अनुवाद कैसे किए हैं, कौन कौन सी, तो स्पेशली, और किसी को नहीं, स्पेशली बोल रहे हैं कि कृष्ण बलराम जी ने क्या क्या लीलाएं करी, उसको हमको वर्णन कीजिए, हम विशेष रूप से उससे अतृप्त हैं, हम विशेष रूप से उसको सुनने का हमारा आग्रह। इन कथाओं को सुनने में जो उनकी तृप्ति का अभाव है, मतलब जो तृप्ति नहीं हो रही है, उसके आश्चर्यजनकत्व का कारण प्रसिद्ध ही है, इसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं किल।
किला शब्द को आश्चर्य बोध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे किला शब्द इनके आश्चर्य को कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं बलराम जी जो की बड़ी आश्चर्यजनक है, और ध्यान देना होगा कि आश्चर्यजनक है मतलब अति सुस्वादु है। इस जगत में कोई भी वस्तु जब आश्चर्यजनक लगती है तब उसमें हम रस का अनुभव करते हैं। समझ में आ रहा है? जब आप किसी वस्तु में रस का अनुभव करते हो तो उसमें आश्चर्य जरूर होता है। अरे क्या प्रसाद बनाया है, अरे क्या ड्रेसिंग कर रही है, अरे क्या कीर्तन किया है, क्या हम इस प्रकार से नहीं बोलते हैं? तो हम जब रस का अनुभव करते हैं तो उसमें आश्चर्य जरूर होता है। वंडर इज द बेसिस ऑन विच यू एक्सपीरियंस एनी रस, एनी रस। माई डियर अमरनाथ प्रभु, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हाउ डू व्हाट यू से, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड तेलुगु? अर्धवंद आनिकू, यस। क्या इस बात को समझ रहे हैं? मान लो आपने किसी बॉडी बिल्डर को देखा, उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, वाव क्या बॉडी है, बोलते हैं ना वाव निकलता है कि नहीं? जहां भी आप कहें कि भाई बहुत अच्छा है, कहीं भी आप कुछ रस अनुभव कर रहे हैं तो वहां पे वाव जरूर होना चाहिए, आश्चर्य जरूर होना चाहिए। ये बहुत गंभीर बात है, समझ पा रहे हैं? तो यहां पे कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं ये बहुत आश्चर्यजनक है, इसको सूचित कर रहे हैं किला। किला को प्रपात कैसे अनुवाद किए हैं? कौन कौन सी, मतलब कौन कौन सी, क्या क्या वस्तु है, क्या क्या कहानी, क्या क्या लीला, कौन सी करी है, तो वहां पे उनका सुनने का बहुत आग्रह है। वो उससे सूचित हो रहा है कि बहुत रसमय लीला है, वो सब हम सुनना चाहते हैं। तो ये किला शब्द उनके आश्चर्य को बोधित कर रहा है, कितनी सुंदर सुंदर लीला है, इसको जरूर सुनना चाहेंगे। समझ आ रहे हैं? अब धीरे के एक एक शब्द में कितना गूढ़ रहस्य भरा हुआ है भागवत के। 7 दिन में कैसे करते हैं हमको तो पता नहीं है। उनके जो श्रोतागण होते हैं रियली एडवांस्ड होते होंगे, अपने आप ही समझ लेते होंगे। जो श्लोक नहीं बोल रहे हैं उसको भी समझ लेते होंगे, शायद तभी 7 दिन में पूरी कर लेते हैं। नहीं वो नहीं बोलते ना, इसलिए लोग अंडरस्टूड है, वो पहले से पढ़ के आए रहते होंगे भागवत। यदि प्रश्न हो कि भगवान की कथा इतनी आश्चर्यजनक कैसे है, तो इस पर कह रहे हैं अति मर्त्यानी, अर्थात गोवर्धन, गोवर्धन की स्पेलिंग गलत है, गोवर्धन धारण आदि लीला जो मनुष्यों के लिए असंभव है, ये अर्थ है। हम लोग सुन लेते हैं भगवान ने गोवर्धन उठाया, ठीक है नेक्स्ट, भगवान ने ये किया नेक्स्ट, अर्जुन पेड़ उखाड़े नेक्स्ट। अरे यही देख लीजिए, कुछ समय पहले अभी लॉकडाउन के समय में आंधी आई थी, कितने बड़े बड़े पेड़ गिर गए थे कि नहीं पार्थ? आपको आश्चर्य नहीं हुआ था? अरे प्रभु जी क्या, वो देखो वो पेड़ गिर गया, वो पेड़ गिर गया। हम लोग नहीं बोलते हैं, बताइए अरे इतना बड़ा पेड़ गिर गया। तो इतना बड़ा पेड़ अगर महान आंधी से गिरे आप आश्चर्य कर रहे हो, और दो महान अर्जुन के पेड़ एक बच्चा गिरा दे आश्चर्य नहीं होगा? बताइए आप, छोटा बच्चा, एकदम छोटा बच्चा है और इतना बड़ा पेड़ गिरा दे, अरे छोटा पेड़ भी गिरा देगा तो भी आश्चर्य होगा। मुझे याद है कि एक बार मैं बहुत छोटा था, पता नहीं कितना छोटा था, लेकिन बहुत छोटा तो नहीं था, याद है कि इसलिए याद है, हमारे घर में एक पपीते का पेड़ था। तो मैंने ऐसा सोचा कि एक मेरे पास एक कुल्हाड़ी थी, मैं सोचा इसे काटूंगा तो क्या होगा, काटता 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 आधा काट दिया, फिर कह रही मैंने गलत काम किया, तो छोड़ दिया बेचारा पेड़ गिर पड़ा, ये बड़ा बहुत बड़ा पाप किया था, नहीं करना चाहिए। तो फल वाला पेड़ था, बहुत अच्छा पेड़ था, तो लोग सोच रहे थे कि पेड़ गिरा कैसे। अब वहां तो मैं इतना छोटा नहीं था ना, कृष्ण कितना है कि बिल्कुल, और पेड़ भी पपीते का पेड़ उसने बहुत, अर्जुन के पेड़ और पपीते के पेड़ में अंतर है कि नहीं? छोटा बच्चा था, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था क्या करना चाहिए, लेकिन इतना छोटा बच्चा जब भगवान उसको गिराए थे, क्या था, अर्जुन के पेड़ को दामोदर लीला में, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी बताइए, क्या आश्चर्य नहीं होगा? और शकट को गिरा दिए, तो इस प्रकार से भगवान अति मर्त्य लीला कर रहे हैं तो आश्चर्य क्यों नहीं होगा? छोटा बच्चा पूतना को मार दिए, तो ये सारी चीजें बड़ी आश्चर्यजनक हैं, और ये सब सामान्य इंसानों के लिए असंभव है, इसलिए मानना चाहिए कि सब आश्चर्यजनक है। समझ, इस मानना क्या चाहिए, है ही आश्चर्यजनक। परंतु यदि आपको कहेगा अरे भाई इतने आश्चर्यजनक लीला कर रहे हैं, तब तो सब लोग समझ गए होंगे कि भगवान है, तो कहते ना, परंतु यदि वे सच्चिदानंद साक्षात भगवान ही हैं, तब किस प्रकार वे भगवान जैसे प्रतीत नहीं होते? यदि यह शंका हो तो कह रहे हैं गूढ़। लिंक समझ रहे हैं ना? अरे भाई आप कह रहे हो इतनी बड़ी बड़ी लीला कर रहे हैं, बड़ी आश्चर्यजनक लीला कर रहे हैं, तो बात खुल गई होगी कि सब लोग वो भगवान है, तो कहते ना ना ऐसा नहीं कर रहे हो।
ब्रज में भी जब किसी को मारते हैं तो कोई अस्त्र या शस्त्र बाहर नहीं निकालते। भगवान ने जब भी किसी असुर को मारा ब्रज में, किसी शस्त्र का उपयोग किया? किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी के मुंह में, यही केशी तीर्थ पास में ही है, उसके मुंह में हाथ डाल दिया, वो फट गया बिल्कुल ककड़ी की तरह, है ना। अगासुर के अंदर गए और फैला लिया अपने आप को। अगर अस्त्र शस्त्र चलाने लग जाएंगे तो जो उनका गोप का भाव है वो संगत नहीं बैठेगा। गोप क्या अस्त्र शस्त्र चलाएंगे, और छोटे बालक भी तो हैं। तो इस प्रकार से भगवान मार रहे। बकासुर कैसे मारे? ऐसे ऐसे पकड़ा और फाड़ दिया, तो भगवान ने उसके मुंह को चोट से फाड़ दी। तो आप देख सकते हैं कि भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र का उपयोग भी नहीं किया, उससे वहां की लीला में व्यवधान पड़ता। तो यहाँ पे बड़ा अद्भुत भगवान की लीला चल रही थी। अपनी अचिंत शक्ति से वे गुप्त रहते हुए अपनी सच्चिदानंदात्मकता को प्रकाशित नहीं करते हैं। इसको समझना चाहिए। मान लो, मान क्या लें, कल सूर्य उदित होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जब सूर्य उदित होगा तो क्या किसी तरह से हम छुपा सकते हैं कि सूर्य उदित नहीं हुआ है? आप बताइए, संभव है? असंभव है ना। तो जब भगवान पूरी तरह से सच्चिदानंद हैं, तो ये कैसे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वो भगवान है? मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे सूर्य उदित हो जाए तो स्वाभाविक की बात है सभी लोग समझ जाते हैं कि सूर्य उदित हो गया है। आपको कोई कन्विंस का नहीं करेगा कि सूर्य उदित हो गया, देखो भाई हम तुमको समझा रहे हैं सूर्य उदित हो गया। नहीं, सूर्य उदित होते ही सभी लोग समझ जाते हैं कि सूर्य उदित हो गया है, और सूर्य के प्रकाश को रोकना, कवर करना, ढकना असंभव है। ये समझ रहे हैं? तो जब सूर्य के प्रकाश को रोकना असंभव है, तो भगवान की सच्चिदानंदात्मकता, जैसे सूर्य का तेजोमयपन इसी को छुपाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार से भगवान सच्चिदानंद है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। फिर भी यह संभव कार्य कैसे हो रहा है? तो भगवान अपनी ही शक्ति से, अचिंत शक्ति से, जिसको समझना मुश्किल है, वह ऐसा करते हैं। देखिए, दुर्योधन कृष्ण को देख रहा है और उसे कोई सुख नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। और अर्जुन और गोपियां, इतना मतलब जितने भी शुद्ध भक्त हैं, वह कृष्ण को देखने के विरह को एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सकते। वही कृष्ण है कि नहीं? हमने पढ़ा था ना कि जब भगवान रंगशाला में गए तो सभी को अलग अलग प्रकार से दिख रहे थे, मल्ला नाम इत्यादि श्लोक हम सुने थे दशम स्कंद का। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? भगवान स्वयं अपनी ही शक्ति से, जिसके पास भक्ति नहीं है उसको अपने रस का अनुभव नहीं करने देते, और जिसके पास भक्ति है वह भगवान के रस का अनुभव कर रहा है। मेरी बातें समझ पा रहे हैं? तो ये कैसे हो रहा है? भगवान की अचिंत शक्ति से हो रहा है। ये गूढ़ बात है, बड़े रहस्यमय बात है। इसके विशेष हेतु को कह रहे हैं कपट मानुष शब्द से। कपट के द्वारा लोक में बुद्धि के मोहन के द्वारा, लोक में बुद्धि के मोह को उत्पन्न करने के द्वारा मनुष्यों में स्वयं सच्चिदानंदात्मक रूप होते हुए भी मनुष्य रूपवत प्रतिभाषित हो रहे थे। ये अर्थ है कि थे तो वो सच्चिदानंदमय, एकदम स्पिरिचुअल, लेकिन लोगों को क्या लग रहा था कि वह तो एक समान मनुष्य की तरह। तो इस प्रकार ये कैसे हो रहा था? भगवान अपनी अचिंत शक्ति से कर रहे थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं हम लोग पढ़ते हैं। श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। इसका मतलब क्या है? आजकल लोग बोलते हैं कि मनुष्य पहले असभ्य थे और फिर धीरे धीरे वो प्रगति करके अब वो प्रगतिशील हो रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो पहले बंदर थे, बंदरों से इंसान आया, ऐसी करके बातें बोल रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्रमिक विकास के द्वारा कोई व्यक्ति भगवान बनता है। इस सिद्धांत का बोलबाला है, आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्मसंयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। चूंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणभूत शास्त्र में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने भगवान के रूप में पहचाना था, अतएव अनेक धूर्त व्यक्तियों ने खुद के अवतारों की सृष्टि कर ली है। महाप्रभु कहते हैं, अवतार नाही कोहे आमी अवतार। अवतार स्वयं नहीं कहता है कि मैं अवतार हूं, और स्वरूप लक्षण, स्वरूप तटस्थ लक्षण के द्वारा, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षणों के द्वारा भगवान के अवतारों को और भगवान को मुनिगण चिन्हित करते हैं।
उनका स्वरूप कैसा है, वो कैसे देखने में लगते हैं, क्या प्रकृति है, आकृति प्रकृति है, स्वरूप लक्षण कार्य द्वारा यही तटस्थ लक्षण, और उनके कार्य क्या है, इसके द्वारा लोग चिन्हित करते हैं कि भगवान के अवतार कौन से अवतार भगवान के अवतार हैं और कौन से नहीं है। तो अब हो क्या रहा है कि इस तरह के अवतारों का हल्ला हो जाता है, शास्त्र में वर्णन है कि अवतार हैं, तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बोलने लगते हैं कि हम भी अवतार हैं, हम कली के अवतार हैं, इसके अवतार है, ऐसे करके, और लोग उनको मान भी लेते हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि कलयुग केवल 5000 साल के लिए है, अगर वो जिंदा रहे तो कहेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि अरे नहीं, ये तो गलत बात थी, 4,32,000 साल के लिए कलयुग होता है। तो शास्त्र का प्रमाण ना लेकर के मनगणन तरीके से लोग विश्वास करते हैं। अब तो भगवान के अवतार का गढ़ा जाना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखलाकर तथा बाजीगरी के कुछ करतब दिखलाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। इस संबंध में परम पूज्य राधागोविंद महाराज एक बड़ी विनोदपूर्ण बात कहते हैं। एक बार एक शिष्य थे, उन्होंने गुरु जी से पूछा, नाम नहीं रख रहे हम यहाँ पे, लेकिन गुरु जी क्या भगवान है? तो गुरु जी ने कहा, तुम्हारा क्या रियलाइजेशन है, व्हाट इज योर रियलाइजेशन, इस संबंध में तुम्हारा क्या अनुभव है? तो उसने कहा, गुरुजी मुझे तो आप साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा दिखाई पड़ते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं, तुम्हारा रियलाइजेशन गलत हो ही नहीं सकता है। तो गुरुजी का स्वरूप को चेला जी का रियलाइजेशन बता रहा है, समझ रहे ना, ये प्रकार का धूर्तता चल रही है। और उनको पूछो कि भाई शास्त्र में कहां वर्णित है, मुझे याद है कि एक संस्था है जिनके बहुत सारे बहुत बड़ा मंदिर है, आप जानते हो, तो उनके मैं अनुयायियों से मिला था बहुत पहले, मैं स्टूडेंट था। बोले भाई हमारे संग रहो, बोरी पहनो, 15 दिन में तुमको भगवान दिखा देंगे। हमने कहा अच्छा, हमने कहा ये तो बताओ कि भगवान होते कैसे, तुम तो मुझे कुछ भी दिखा दो, कहो यही भगवान है ना, जब तक मुझे ये ना पता चले कि भाई भगवान के ये रूप है, आप कुछ भी दिखा दोगे, 15 दिन में बोरी पहनने से भगवान मिल जाएंगे, 15 दिन में बोरी पहनने से भगवान मिल जाएंगे। अरे हमारे गुरु जी, ने कहा नाम तो बताओ भगवान का, ना वो गुरु जी ने मना किया है, भगवान का नाम नहीं बताना। तो इस प्रकार का धोखा चलता है समाज में, 15 दिन में भगवान दिख जाएंगे और बीड़ी नहीं छूट रही हाथ से, ये बड़ी स्थिति है। खैर, इस तरह के लोग करते हैं, कलयुग में धोखेबाज होते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार न थे, वे अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप से भगवान थे। यानी कि भगवान को भगवान बनने के लिए तपस्या करने की जरूरत नहीं है, और समझ लेना चाहिए कि कोई तपस्या करके भगवान बन सकता नहीं। वे अपनी तथाकथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे, और फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणत हो गए। और हमारे संग तो उल्टा होता है, हम लोग पैदा होते हैं बच्चे की तरह, और माँ जब ठूस ठूस से खिलाती है तब जाकर के हमारे दो हाथ थोड़े बड़े होते हैं। भगवान चतुर्भुज रूप में आते हैं और अपने आप को भभुआ प्रावकर्ता शिशु एक प्राकृतिक शिशु के लिए कर लेते हैं, क्योंकि माँ ऐसा बोल रही है। और ये भी आप देख सकते हैं, काफी रुचिकर है ये बात, कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो स्वयं ही असहाय अवस्था में होता है ना विजय, कौन असहाय अवस्था में रहता है, कौन सा बच्चा, कहाँ पे, हमारे देश का और कहीं नहीं, हमारे जैसे। तो हमारे जैसा इंसान का जो बच्चा होता है या किसी का भी बच्चा, माँ के गर्भ में असहाय अवस्था में होता है कि नहीं, किसी कोई इसका उस बच्चे का कोई आश्रय ले सकता है? लेकिन देखिए, जब भगवान माँ के गर्भ में थे तो वहां पे एक प्रसिद्ध स्तुति है भागवत में, क्या कहते हैं, गर्भ स्तुति, जहां ब्रह्मा जी शिव जी सब बड़े बड़े देवता वो भगवान को कह रहे हैं, भगवान हम आपके आश्रय में, हम आपके आश्रय में है, हम आपके आश्रय में। तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की देवता कितनी है, देखे हम समझ ही नहीं सकते हैं, फिर जरा विचार कीजिए, हम लोग मनन करेंगे तब आश्चर्य होगा कि माँ के गर्भ में बच्चा कितना असहाय होता है, वह कुछ भी नहीं कर सकता है। और उन भगवान का जो भगवान माता देव की गर्भ में है, उनका बड़े बड़े देवता, बल्कि सबसे बड़े देवता ब्रह्मा जी शिव जी आश्रय ले रहे हैं। तो भगवान माँ के गर्भ में भी भगवान ही है, समझ में आई बात, वहां कोई तपस्या नहीं कर रहे कि मैं बाहर आऊंगा और मैं तब भगवान बनूंगा। तो यहां देख लीजिए कि गुरु जी हैं तथाकथित, और वह कुछ तपस्या करके योग सिद्धि प्राप्त किए हैं, तो बिल्कुल भगवान नहीं है, क्योंकि उनको तपस्या करनी पड़ी भगवान बनने के लिए। मेक सेंस? यस। वे, हाँ ये पढ़ लिया,
अच्छा, और ये सब हो सकता है कि हम अपना रूप तुरंत तुरंत चेंज कर लें? यह भी हमारे लिए संभव नहीं है, सब भगवान अपने आप करते हैं। वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहां उन्हें नंद महाराज तथा यशोदा माता ने अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। तो ये सब भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं। इसी प्रकार श्री बलराम भी, जो भगवान कृष्ण के पूरक हैं, श्री वसुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। यह भी कितना अद्भुत है ना, हम लोग सुनते हैं तो उसको ऐसा कुछ गिनते नहीं, लेकिन कितना अद्भुत है। माता देवी की कहाँ है? मथुरा में, और रोहिणी कहाँ पे है? गोकुल में। और रातों रात योग माया के द्वारा बलराम जी देव की घर से माता रोहिणी के पास चले जाते हैं। कितने आश्चर्य की बात। तो ये सब बातें बड़ी अद्भुत हैं, और ये सब अति मर्त है। क्या इंसानों के लिए संभव है ऐसा? संभव नहीं है ना, तो इसलिए वो बोल रहे हैं। मैं समझता हूं, भी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन प्रश्न बीच में आता है। परीक्षित महाराज कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति की दो माता हो? बलराम जी की दो माता है कि नहीं? देवी की भी माता है और वरुणी भी माता है ना, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो संभव नहीं है। इसी पे आगे जाकर के प्रश्न हो कि इस प्रश्न के उत्तर के रूप में आगे आता है कि इस प्रकार से बलराम जी योग माया के प्रभाव से इधर से देवकी के गर्भ से स्थानांतरित होते हैं रोहिणी के गर्भ में। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं, और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। प्लीज, पता नहीं कितने भक्तों को ये बात समझ में आ रही है। यही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझें। पूरा तो हम नहीं समझ सकते हैं, जितना समझ लेंगे मुक्त हो जाएंगे। प्रभुपाद जी दशम स्कंद के तात्पर्य में कहते हैं, कंस केवल यही जानता था कि भगवान विष्णु को मारा नहीं जा सकता, इसलिए वो भयभीत रहता था। केवल यही जानना कि भगवान विष्णु अमर है, उनको मारा नहीं जा सकता, इसी से वो मुक्त हो गया। और सोचिए, और अगर अच्छे से जानता तो कितना अच्छी बात होती। तो इसके लिए हमें विशेष समय निकालना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान ही मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में हम लोग उसे कहते हैं नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन। नेसेसरी मतलब आवश्यक, और सफिशियंट मतलब पर्याप्त। तो यानी कि कुछ चीज अगर आवश्यक है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो पर्याप्त है। आवश्यक है मतलब होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब वही पूर्ति कर देगी पूरी। मेरी बातें समझ रहे हैं? जैसे नहाना आवश्यक है कि नहीं, लेकिन नहाना भगवान के धाम जाने के लिए पर्याप्त है? नहा करके भगवान के धाम चले जाएंगे ऐसा तो नहीं कह सकते। तो भक्ति करने में नहाना आवश्यक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करके हम भगवान के बारे में ठीक ठीक समझें। और ये श्लोक बहुत सुंदर है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जना। ये बहुत सुंदर श्लोक है, अगर आप विचार कीजिए। सुना तो आपने बहुत बार होगा, लेकिन भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो इस प्रकार से अर्जुन, जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मेरे जन्म और कर्म के रहस्य को समझता है, तो कह रहे हैं त्यक्त्वा देहम, एकदम खुद गारंटी दे रहे हैं कि यह शरीर त्यागने के बाद वो चाहे कहीं मरे, कैसे भी मरे, किसी भी तरह मरे। ये तो भगवान नहीं बोल रहे ना कैसे मरे, कहां मरे, क्या, तो कुछ नहीं बोल रहे। कह रहे त्यक्त्वा देहम, इस देह को तो त्यागेगा ही, इस देह को त्याग करके वह दोबारा जन्म नहीं लेगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति, दोबारा उसका जन्म नहीं होगा। आप प्लीज समझ पा रहे इस बात का महत्व? कितना शक्तिशाली है कृष्ण कथा कि उस व्यक्ति का दोबारा जन्म नहीं होगा। है ना, इस दुनिया में छोटे छोटे एग्जाम लिखने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं कि नहीं। ये तो नहीं लिखा है किसी एग्जाम में कि एग्जाम आप पढ़ लोगे तो दोबारा जन्म नहीं होगा। हो सकता है उस पढ़ने से ही दोबारा जन्म हो जाए, है कि नहीं? वो सब जितना कचरा हम भर रहे हैं मन में, तो भगवान की बात बहुत सिंपल कह रहे हैं, लेकिन कितनी गंभीर है कि जो भगवान के जन्म कर्म की देवता को समझ लेगा वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। विजय, क्या कैसा आइडिया लगता है आपको? कैसा श्लोक लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं? क्या हमको उसमें मेहनत करना चाहिए कि नहीं? है कि नहीं? तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं मिलना। अच्छा, ऐसा नहीं कि मुक्त हो जाएगा तो वो ब्रह्मज्योति में टंगा रहेगा, नहीं, मामेति, मेरे पास आएगा अर्जुन।
लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, यह जीव को भगवान के पास शाश्वत स्थान में ले जाने के लिए है, और किसी के पास ये है ही नहीं स्कोप। कभी विचार कीजिएगा, इस संप्रदाय को कभी छोड़ने का दुर्भाग्य ना हो किसी का। ये भगवान का जो संप्रदाय है, ये ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय इस्कॉन, इसकी एक ब्रांच है, यह लोगों को भगवान के पास ले जाने की शक्ति रखती है। कोई ऐसे भावुकता में नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र के प्रमाण के द्वारा, गीता भागवत के प्रमाण के द्वारा एक बार जीवन को उसमें अप्लाई तो करें, समझ रहे ना मेरी बात। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भगवान का ज्ञान दिव्य प्रकृति को जानने से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है और 10वें स्कंद में उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई हैं। इस ग्रंथ को जो जो कोई पढ़ता है त्यों तो यह सब ज्ञात होता जाता है। क्या ज्ञात हो जाता है कि भगवान की लीलाएं किस प्रकार से दिव्य हैं। किंतु यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की गोद में से ही अपनी अलौकिकता प्रदर्शित की और उनके सारे के सारे कार्यकलाप अति मानवीय हैं, यथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना, स्पष्ट समझ में आ रहा है। और ये सारे कार्य उन्हें वास्तविक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करते हैं, ये प्रमाणित करते हैं कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इतने पर भी अपने योग आवरण के कारण, यानी योग माया के द्वारा, वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य मानव शिशु ही समझे जाते रहे। कितना भी भगवान ब्रज में पराक्रम दिखाएं, लेकिन लोग यही सोचते थे कि ये एक सामान्य व्यक्ति ही। लेकिन ध्यान देना होगा, कैसे समझते थे? प्रेम के कारण। और असुर लोग क्यों सोच रहे हैं? अविद्या के कारण। समझ में आए? जब भी महाराज बता रहे थे कि ब्रज में कोई व्यक्ति कृष्ण ही नहीं बोलता था, कानू नंद के कन्हैया ऐसे करके बोलते थे, तो कृष्ण को इस प्रकार से बोलते थे, परम प्रताप परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जय हो, ब्रज में इस प्रकार से नहीं बोलते थे। और कृष्ण को अच्छा भी लगता था, कानू कन्हैया नंद के ऐसे बोलते थे तो अच्छा लगता था। जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते, उनके माता पिता उसे अन्य रूप में ग्रहण करते कि हम तो नारायण की पूजा की हैं, हम तपस्या किए इसलिए हमारा लाला बच गया। जैसे भगवान ने जब अर्जुन के पेड़ों को गिराया, यमला अर्जुन पेड़ों को गिराया, तो बच्चे देख रहे थे कि कृष्ण ने गिराया और बोल भी रहे हैं कि कृष्ण ही गिराया। तत्ववेत्ता बच्चे हैं, लेकिन तत्ववेत्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही है। बच्चा गिराएंगे? पागल हो तुम, चुप रहो, क्या जानते हो तुम? छोटा बच्चा इतना बड़ा पेड़ गिरा सकता है क्या? मूर्ख कहीं के। तो कभी कभी तत्ववेत्ताओं की बात भी नहीं मानी जाती है। महाराज इस प्रकार से बोल रहे थे तो कभी कोई मानता नहीं। तो अरे बात सोचिए ना, आप मान जाएंगे? छोटा बच्चा इतना बड़ा पेड़ गिरा दे, मानेंगे? कोई नहीं मानेगा ना। तो इस प्रकार से वो हमेशा प्रेम वश मोहित होते थे, समझना होगा। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम से सदा तुष्ट रहते। तो समझ रहे हैं, स्पष्ट है ना, प्रेम के कारण वह उनको अपना बेटा ही मानते थे। अतएव नमिशारण के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिमान भगवान हैं। मनुष्यवत लीला कर रहे थे, लेकिन वह अपनी योग माया से अपने को ढके हुए थे। तो उन लीलाओं को सुनने का विशेष आग्रह नमिशारण के ऋषियों का है, और उसके बारे में वो पहले से बोल दे रही है। प्रश्न नहीं है, चरित्र को तो पहले से सुनना चाहते हैं। चरित्र के विषय में तो चौथा प्रश्न कर दिए हैं कि श्री कृष्ण के चरित्र को सुनाइए, लेकिन विशेष आग्रह है ये प्रस्तुत कर रहे हैं आप, कि हमारा विशेष आग्रह है कि राम को भगवान कृष्ण और बलराम ने क्या विशेष लीलाएं जो करी हैं, कवर विस्तार में बताइए। कोई प्रश्न है तो मैं देख लेता हूं। क्या भगवान गर्भ में जाते हैं? भगवान कहां नहीं जाते हैं? भगवान कहाँ नहीं जाते? भगवान सब जगह जा सकते हैं। भगवान अगर मान लीजिए गर्भ में ना आते तो माता को कभी लगता ही नहीं कि मेरा ये बेटा है, तो ये भी तो फीलिंग होनी चाहिए ना कि मेरा बेटा है। तो इस प्रकार से भगवान गर्भ में भी जाते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे किसी को प्रश्न है नहीं, तो यहाँ हम लोग रुक रहे हैं, अभी हम लोग पारायण करेंगे। सो विल स्टॉप हियर।